हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुबाब मैन। और आज आपका लेसन जो है वो एक उस टेक्निक है जिसे इंग्लिश में तो मल्टीपल स्ट्रोक कहते हैं, मल्टीपल स्ट्रोक्स, और देसी लैंग्वेज में इसे कहते हैं ट्र, या इसे ये भी कहते हैं ट्र, या अगर बहुत तेजी से करो तो फिर ये आवाज आती है चर्र। अच्छा, इस टेक्निक के लिए आपके पास मुख्तलिफ पिक्स अगर हैं तो वो बहुत बेहतरीन है, ताकि आप मुख्तलिफ पिक्स पे जो ट्राई कर सको। ठीक है, इस वक्त मेरे पास, जिस तरह मैं आपको लास्ट अपनी वीडियो में भी दिखाया था, मेरे पास चंद गेजेस की पिक्स हैं कि जो मैं रखी हुई हैं अपने पास। अच्छा, रुबाब के अंदर मैं देखा कि जो जितने गिटार प्लेयर्स हैं ना यूजली, ठीक है, क्योंकि गिटार की जो पिकिंग टेक्निक होती है ना, वो ये होती है कि आपने इस तरह से पिक अपनी पकड़नी, ठीक है, और सीधा सीधा आपने पिक करना। इस कैमरे में आप देख रहे हैं, होने पे ये भी बिल्कुल ठीक है, इस तरह से भी पिकिंग होती है, लेकिन जो रुबाब की जो पिकिंग होती है ना, उसके अंदर हमेशा क्या होता है कि आपने पिक अपनी ऐसे पकड़नी होती है, लाइक आपकी जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री ऊपर की तरफ होती है, और फिर आप जब इसे स्ट्रोक करते हो ना तो क्या होता है, ये देखें यहाँ पे जब मैं स्ट्रोक किया तो मेरी जो पिक है, ठीक है, वो दूसरी स्ट्रिंग पे रेस्ट कर रही है, यहाँ से देखें अपने आप दूसरी स्ट्रिंग पे रेस्ट कर रही है। ठीक हो गया, ऊपर वाली स्ट्रिंग अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये रुबाब की बेसिक पिकिंग टेक्निक है कि जिसके अंदर आपकी पिक बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ठीक हो गया। पहली तो ये चीज़ आ जाती है, और दूसरा जो मैं मसला देखा हुआ है इसके अंदर वो ये है, या तो स्ट्रिंग की बिल्कुल इस साइड पे प्ले कर रहे होंगे, या ये चीज़ होगी या यहाँ पे होगी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जब आप नोट करोगे, ठीक है, वो क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे जो है, जो स्ट्रिंग का वेट है, स्ट्रिंग का जो वजन है जो आपको फील हो रहा है, वो कम है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट है, ठीक हो गया। तो इन दोनों टेक्निक्स के अंदर, चाहे अगर आप इधर हो या आप इधर हो, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या सिनेरियो होगा कि आपका जो बैलेंस होगा ना, आपकी पिक का, आपके हाथ का वेट और आपकी स्ट्रिंग का वेट, इन दोनों में बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस यूजली इन एरियाज के अंदर होता है, ठीक है, इस एरिया के अंदर रहते हुए आपने जो है रुबाब को प्ले करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक होता है। और तीसरी बात जो है वो ये कि आपने पिक पकड़नी कैसे है, इस तरह भी पकड़ते हैं लोग, ठीक है, ये टेक्निक भी है और ये टेक्निक भी है, लाइक जहाँ पे आपके थंब के अंदर है, ठीक हो गया, नोट करें, यहाँ पिक पकड़ी थंब के ऊपर इस तरह से, और ऊपर मैं फिंगर रख रहा हूँ इसके, एक तो ये टेक्निक है यानी इसे बिल्कुल सीधा आप कर लें ये, और दूसरी क्या है कि थंब के बिल्कुल आपने जो एक नाम है इस एरिए पे रखना है, ये दोनों तरीके हैं, डिपेंड करता है आपका हाथ कितना जो है वो हार्ड है, उस हिसाब से जो होगा। अब आ जाते हैं चर की टेक्निक पे, इसे आपने बहुत स्लोली शुरू करना है, ठीक है। अब ये नोट करेंगे कि यहाँ पे डाउन स्ट्रोक की ज्यादा आवाज है, ऊपर वाली की कम है, आपका एंगल ऐसा होना चाहिए जिस तरह आपकी इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अब जरा नोट करना, आप नोट करोगे कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो हर दफा मैं इधर रेस्ट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा, लाइक ऊपर ऊपर से ये नहीं मैं प्ले कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसे ऊपर रेस्ट करता हूं, और ऑटोमेटिकली जिस वक्त मैं इसे डाउन स्ट्रोक किए ऊपर करूंगा, अपने आप ही वो बच जाएगी, ठीक हो गया, मुझे कॉन्शियस नहीं होना पड़ रहा इसके लिए। अब क्या सिनेरियो है, इजी तरह नीचे, ठीक, इसी तरह सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग पे, इसमें आपका एंगल बहुत मैटर करता है कि आपका जो एंगल है वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, सीधा नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस तरह इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो है चांसेस होते हैं कि आप दूसरी स्ट्रिंग को हिट कर जाओ। अब ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, मैंने सिर्फ एक रुबाब प्लेयर को ऐसा देखा हुआ है कि वो इस तरह से प्ले करता था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो गिटार प्लेयर, और लेकिन वो ये था कि उसकी प्रिसिजन बहुत अच्छी थी, प्लेइंग थी वो बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, लेकिन रुबाब की टेक्निक के अंदर जो है क्या नाम है आपकी ये पोजिशन होती है। अब जब इसे प्ले करते, ठीक हो गया, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब एक बार मैं दोबारा से आपको जो है ना रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर आपके पास मुख्तलिफ पिक्स हैं, ठीक है, आप मुख्तलिफ पिक्स ट्राई करें, एक तो ये पॉइंट हो गया,
दूसरा ये है कि आपने जो है गिटार की तरह रुबाब को नहीं बजाना, ठीक हो गया। रुबाब की टेक्निक डिफरेंट है, इसकी पिकिंग टेक्निक डिफरेंट है, ठीक हो गया। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जिस वक्त आपने पिक करना है तो दूसरी स्ट्रिंग पे रेस्ट करे, ठीक। और अगर नीचे वाली स्ट्रिंग है तो उसके अंदर क्या है कि आपने रेस्ट ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं होगा, लेकिन मैं यूजली जो मुझे पसंद है जो चीज़ करना वो ये कि मैं इसे हिट करता हूँ नीचे इसकी स्किन पे, किस तरह से, ये एक बड़ा डिफरेंस है जो है कि नाम वो अटैक देता है इसे। तो एक ये टेक्निक होगी। उसके बाद एक और पॉइंट जो है वो ये कि आपने ना ही यहाँ पे प्ले करना है, ना बिल्कुल इस साइड पे, और ना ही बिल्कुल इस साइड पे सेंटर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके रुबाब का साइज़ क्या है, उसका वेट कितना है, तो उस हिसाब से आपने इस एरिया पे आपने उसे फिगर आउट करना है कि क्या सिनेरियो है। और पिक जो है आपने बिल्कुल ठीक पकड़नी है। मैं यूजली इस तरह पकड़ता होता हूँ, दिस इज़ माई वे। सो इस तरह से आपने चर करना है। आई होप आपको समझ आ गई कि आपने चर कैसे करना है। और अगर आपको जो है कि नाम मेरे लेसन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि जो मेरे फ्यूचर अपलोड्स हैं वो आपको मिल जाएं। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।